हिंदू धर्म ग्रंथ तथा महापुराणों के अनुसार त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले भगवान शिव अर्थात महादेव हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति इस सृष्टि की सबसे बड़ी महान शक्तियां हैं। ब्रह्म देव को छोड़कर भगवान विष्णु तथा भगवान शिव समय समय पर अवतार लेते रहते हैं ताकि सृष्टि के संचार को अच्छे से चलाया जा सके। इसके लिए भगवान विष्णु अब तक 9 अवतार ले चुके हैं, जबकि भगवान शिव के अब तक 19 अवतार लेने की कथा का वर्णन किया गया है। ऐसे ही भगवान शिव के 19 अवतारों में 3 सबसे शक्तिशाली महाअवतारों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देवों के देव महादेव सृष्टि के विनाशक हैं, जो इस सृष्टि में जीवित तथा अहंकार बुराई आदि का अंत करते हैं। जब जब इस सृष्टि में अहंकार अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब महादेव ने विनाशकारी अवतार रूप में आकर अहंकार का नाश किया करते हैं। इसलिए आज हम महादेव के 3 सबसे शक्तिशाली अवतारों के बारे में बात करेंगे। इनमें से महापुराणों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव के काल भैरव अवतार को सृष्टि के निर्माण के समय जन्म दिया गया था। बात यह थी कि सृष्टि के निर्माण से पहले के समय में भगवान नारायण और ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई। तब ब्रह्मदेव को अपने सबसे श्रेष्ठ होने का अहंकार उत्पन्न हुआ। तब ब्रह्मदेव के अहंकार के रूप में ब्रह्मदेव का 5वां सर उत्पन्न हुआ था, जिसको काटने के लिए भगवान शिव ने काल भैरव का रूप धारण किया था। काल भैरव ने ब्रह्मदेव का अहंकारी रूपी पैदा हुआ 5वां सर काट दिया, लेकिन उस वजह से काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। काल भैरव ब्रह्मदेव के उस कटे हुए शीश को लेकर बहुत से तीर्थ स्थलों पर घूम रहे, लेकिन उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिली। लेकिन अंत में जब वह काल भैरव काशी पहुँचे तो तब वहाँ पर उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई और हमेशा के लिए काल भैरव काशी में ही स्थित हो गए। काल भैरव भगवान शिव का पहला अवतार थे, जिन्हें सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा देव का शीश काट दिया था। वह महाशक्ति थी। काल भैरव शिव का ही एक रुद्र रूप है। इन्हें काशी का कोतवाल भी माना गया है। बाबा काल भैरव दयालु कल्याणकारी करने वाले शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देव माने जाते हैं। भगवान शिव का दूसरा महाशक्तिशाली अवतार नाम था वीरभद्र। वीरभद्र की उत्पत्ति भगवान शिव की पत्नी सती के पिता प्रजापति दक्ष को मारने के लिए हुई थी। प्रजापति दक्ष का अहंकार इतना अधिक बढ़ गया था कि वह भगवान शिव की पत्नी माता सती की मृत्यु का कारण बन गए थे। माता सती की मृत्यु के से भगवान शिव इतने अधिक आहत हुए कि वह क्रोध में तांडव करने लगे, जिससे यह सृष्टि कांपने लगी थी। यह तांडव करते हुए महादेव ने अपनी जटा एक हिस्से को उखाड़कर जमीन पर फेंक दिया, जिससे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। महादेव ने वीरभद्र को स्पष्ट आदेश दिए थे कि तुम इसी समय प्रजापति दक्ष के राज्य में जाकर उसका अंत कर दो, और जो भी तुम्हारे रास्ते में आए, वह चाहे देव हो, दानव हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, उसको तभी भस्म कर दियो। वीरभद्र जो कि महादेव की कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक था, उसी क्षण प्रस्थान करते हैं और प्रजापति दक्ष के महल में आकर उनका यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। वीरभद्र से लड़ने के लिए प्रजापति दक्ष अपनी सेना को आगे कर देते हैं, लेकिन वीरभद्र एक एक करके सबको पराजित कर देते हैं। उसके पश्चात प्रजापति दक्ष भगवान नारायण से सहायता मांगते हैं और वीरभद्र से लड़ने के लिए विनती करते हैं। तब वह नारायण वीरभद्र से लड़ने जाते हैं, लेकिन एक ऋषि के दिए गए श्राप के कारण वह उससे हार जाते हैं। कुछ ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि भगवान नारायण ने वीरभद्र पर दर्शन चक्र से वार किया, वीरभद्र ने उनका सुदर्शन चक्र निगल लिया। तब नारायण को यकीन हो गया कि आज प्रजापति दक्ष की मृत्यु निश्चित है, इसलिए उन्होंने वीरभद्र से कहा कि अब मैं आपके रास्ते में नहीं आऊँगा। वह कहकर भगवान विष्णु वीरभद्र के रास्ते से हट गए। वीरभद्र ने अपने खड़क से प्रजापति दक्ष के सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रजापति दक्ष का वह सर उसी समय अग्निकुंड में जाकर गिर गया और भस्म हो गया। दक्ष का वध होते ही वीरभद्र वहां से चले जाते हैं। भगवान शिव के तीसरे सबसे शक्तिशाली अवतार का नाम है हनुमान जी, जिन्हें हम बजरंग बली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, संकट मोचन, मारुति आदि नाम से जानते हैं और पूजते हैं। बजरंग बली यानी हनुमान जी। बजरंग बली हनुमान जी की शक्ति से हर कोई परिचित है। भगवान शिव ने वानर राज केशरी की पत्नी अंजनी को यह वरदान दिया था कि उनके गर्भ से उनका अंश अवतार जन्म लेगा। बजरंग बली हनुमान जी के जन्म का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के अवतार लीला में सहायता
करने के लिए हुआ था। भगवान विष्णु श्री राम के अवतार को लेकर धरती पर से राक्षसों के बढ़ते हुए अत्याचार का अंत करने के लिए मानव रूप में आए थे। श्री राम की इस लीला में उनका सहयोग करने के लिए तथा राक्षसों का नाश करने के लिए भगवान शिव के 11वें रुद्र एक वानर के रूप में अवतरित हुए। बजरंग बली हनुमान जी की शक्ति असीमित थी, क्योंकि वह अनादि और अनंत महादेव के 11वें रुद्र रूप तथा उन्हें हर देवता से वरदान प्राप्त था। ब्रह्मास्त्र भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अपने बाल्य रूप में हनुमान जी ने सूर्य निगल लिया था, जिस कारण रावण को वानर राज बाली अपनी काख में दबाकर 6 महीने तक घूम रहा था। लेकिन वही बाली की हनुमान जी की शक्ति का 10वां हिस्सा भी संभाल नहीं पाया था। महाबली होने के साथ साथ हनुमान जी बहुत ही विद्वान और धर्म वेदों का ज्ञाता थे। वह अपने शरीर को कुछ भी कैसे भी आकार में ढाल सकते थे। माता सीता ने उन्हें 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों के दाता होने का वरदान दिया था। उनकी महिमा चारों युगों में विद्यमान रहेगी। और दोस्तों, आप लोगों को यह रोचक जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ ये भी ज़रूर बताइए आपको कौन सा अवतार महादेव का सबसे शक्तिशाली लगता है। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। सभी का धन्यवाद, दिल से थैंक यू।